बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और उसके तमाम फेसेस को डिटेल में पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है सॉफ्टवेयर और उसकी टाइप्स को देखेंगे। इसके साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके फीचर्स और उसकी तमाम फंक्शनैलिटीज की डिटेल देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, ये टॉपिक पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली दूसरी बुक्स के अंदर जैसे कि सिंह टेक्स्ट बुक के अंदर ये टॉपिक चैप्टर नंबर 1 में मौजूद है, जबकि पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर ये टॉपिक चैप्टर नंबर 5 में मौजूद है। तो फ्रेंड्स, आइए अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। सॉफ्टवेयर हिदायत का मजमुआ होता है जिसे ना ही आप छू सकते हैं हार्डवेयर की तरह और ना ही आप पकड़ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपका जिस्म एक हार्डवेयर है और उसमें मौजूद रूह सॉफ्टवेयर है जिसको ना ही हम छू सकते हैं और ना ही हम पकड़ सकते हैं, लेकिन रूह के बगैर हमारे जिस्म बेमानी है। बिल्कुल इसी तरीके से सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को बताता है कि उसे किस तरीके से काम करना है। सॉफ्टवेयर की दो मेन टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल, एक ऑनलाइन राइड्स बुकिंग कंपनी है जिसके कोई एक ऐप है, उस ऐप को आप देख सकते हैं और उसके जरिए आप अपनी लोकेशन देते हैं, वो आपको अवेलेबल राइड्स दिखाती है और आप उनको चूज करके कंफर्म करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो उस ऐप के सिर्फ वही फीचर्स थे जिनको आप देख सकते हैं, जबकि उसके अलावा भी बहुत से काम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्राइवर्स को हायर करना, हर एरियाज में अलग अलग ड्राइवर्स को सेंड करना, जब आपने अपनी लोकेशन डाली उसे किस तरीके से वर्ल्ड मैप में सर्च करना है ये काम करना, अवेलेबल राइड्स कितनी है उसकी पूरी जांच रखना, फिर आखिर में रास्ते के जरिए आपकी कॉस्ट का तयन करना। तो दोस्तों, आपको एक छोटी सी ऐप दिख रही है जबकि पीछे एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर उसको मैनेज कर रहा होता है। बिल्कुल इसी तरीके से कंप्यूटर जैसी मशीन को भी चलाने के लिए एक बड़े सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है जो बैकएंड यानी पीछे रहकर पूरे सिस्टम और उसमें मौजूद हार्डवेयर को रन करता है, उसको चलाता है। इसके साथ साथ जो छोटे छोटे काम आप कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप सॉन्ग सुन रहे होते हैं, ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, डाउनलोडिंग कर रहे होते हैं, मूवीज देख रहे होते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई काम कर रहे होते हैं, वो तमाम काम भी वो बड़ा सॉफ्टवेयर संभालता है। तो दोस्तों, वो बड़ा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है और वो छोटा सॉफ्टवेयर यानी वो तमाम छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स, म्यूजिक सुनना, वर्ड पे काम करना, ये तमाम सॉफ्टवेयर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ये इनके बारे में डिफरेंस को जानते हैं। दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाने के लिए, बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जरिए हम कंप्यूटर की किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर के जरिए आप कंप्यूटर के हार्डवेयर को ना सिर्फ चला सकते हैं बल्कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के जरिए ही चला सकते हैं, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए और हार्डवेयर को रन करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर निहायत ही जरूरी है। दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जरिए आप सिर्फ वही काम कर सकते हैं जिसकी जो उनकी टाइप होगी। फॉर एग्जाम्पल, राइटिंग करने के लिए आप नोटपैड या फिर वर्डपैड का इस्तेमाल करेंगे, म्यूजिक्स को सुनने के लिए VLCC मीडिया प्लेयर का इस्तेमाल करेंगे, यानी हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी एक खास मकसद के लिए होगा, जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक पूरे कंप्यूटर को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी उसी वक्त स्टार्ट हो जाता है और जैसे ही आपका कंप्यूटर बंद होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बंद हो जाता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ऑन करते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, अपनी जरूरत के मुताबिक बंद कर देते हैं। दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते, किसी पर मुनहसर नहीं होते, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर पर मुनहसर होते हैं। यानी अगर आपके कंप्यूटर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी अपने कंप्यूटर के अंदर नहीं चला सकते। दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर की बेहतरीन मिसाल ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस ड्राइवर्स है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स हैं, कस्टम बिल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी वो सॉफ्टवेयर जो कि हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़े थे, जो कि हमने सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के टॉपिक के अंदर हम अपने लिए खुद के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और पैकेज सॉफ्टवेयर
वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपको अवेलेबल होते हैं, जो कि नेट पर मौजूद होते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, स्प्रेडशीट, वेब ब्राउजर्स। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की एग्जांपल्स हैं। तो दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर ही दरअसल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आइए आपकी बुक के नेक्स्ट टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करते हैं। जब भी आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल को ऑन करते हैं तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि वो कुछ ना कुछ वक्त लेती है आपकी होम स्क्रीन को लोड करने में। यहाँ आपकी डिवाइस, आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल एक सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करती है बैकग्राउंड में। तो वो सॉफ्टवेयर जब तक चलता रहेगा जब तक आपकी डिवाइस ऑन रहेगी, और जैसे ही आपकी डिवाइस बंद होगी वो सॉफ्टवेयर भी बंद हो जाएगा। तो वो सॉफ्टवेयर कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों पहले भी तो कंप्यूटर चलते थे, तो फिर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्यों पेश आई? दोस्तों हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर जीरो और वन या फिर असेंबली लैंग्वेज को समझता है, लेकिन फ्रेंड्स असेंबली लैंग्वेज या तो उन लोगों को जिन्होंने कंप्यूटर को बनाया था या उनके अलावा कुछ ही लोगों को आती होगी। और अगर यूजर को हार्डवेयर जैसे कि माउस, कीबोर्ड, सीपीयू को एक्सेस करना हो, हार्डवेयर को इस्तेमाल करना हो, तो क्या हर यूजर पहले असेंबली लैंग्वेज को सीखे फिर कंप्यूटर को इस्तेमाल करे? क्योंकि यूजर डायरेक्टली हार्डवेयर यानी सीपीयू को कमांड नहीं दे सकता और सीपीयू डायरेक्टली यूजर से इंटरेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए जरूरत पड़ी एक मिडिल मैन की। फॉर एग्जाम्पल अक्सर बाहर की कंट्रीज से जो लोग आते हैं वो अपने साथ एक ट्रांसलेटर भी लाते हैं जो कि हमारी लैंग्वेज को उनकी लैंग्वेज में और उनकी लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में तब्दील करता है। बिल्कुल इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक ट्रांसलेटर होता है जो यूजर की कमांड्स को सीपीयू की लैंग्वेज में और सीपीयू की लैंग्वेज को यूजर की लैंग्वेज में तब्दील करता है। तो दोस्तों ये तो हो गई नीड कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्यों पेश आती है। आइए ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशंस को डिटेल में देखते हैं। दोस्तों इट्स एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर सिस्टम, यानी एक वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है यूजर को और कंप्यूटर सिस्टम को। कंप्यूटर सिस्टम यानी कोई भी हार्डवेयर। तो दोस्तों ये हार्डवेयर है और ये है यूजर। अब इस यूजर को हार्डवेयर को एक्सेस करना है, हार्डवेयर को इस्तेमाल करना है, तो कौन इनको मदद करेगा आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करने में? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस प्रदान करता है, एक वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ताकि आसानी से यूजर और हार्डवेयर एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सके। तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ यही काम नहीं करता, बल्कि आपके कंप्यूटर में जितने भी काम हो रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सुनना, स्प्रेडशीट बनाना, डाउनलोडिंग, ये तमाम काम भी OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। दोस्तों ये तमाम काम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। दोस्तों फॉर एग्जाम्पल आप कोई गेम खेल रहे हैं, आप यूजर हैं, आप कोई गेम खेल रहे हैं, वो गेम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। उस गेम को खेलने के लिए आपको माउस की जरूरत है, तो आपको और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए जो रास्ता प्रदान करेगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की दूसरी डेफिनेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम्स का मजमूआ है, इन सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर की तमाम रिसोर्सेज यानी यूजर, एप्लीकेशन यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और पूरे कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करता है। आइए हम जानते हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए, उसके क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। एफिशिएंसी। दोस्तों एक ऑपरेटिंग सिस्टम को एफिशिएंट होना नहायत ही जरूरी है, यानी तमाम रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करें। अगर आपका कंप्यूटर किसी भी टास्क को परफॉर्म करने में वक्त ले रहा है, इसका मतलब है कि वो एफिशिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसके बाद है रिलायबिलिटी। कोई भी प्रोडक्ट तब ही रिलायबल हो सकती है जब वो एरर फ्री हो, यानी उसके अंदर कोई खामी मौजूद ना हो। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रिलायबल है, एरर फ्री है, यानी उसके अंदर किसी किस्म की कोई खामी नहीं है, कोई कमी नहीं है, तो ही वो रिलायबल ऑपरेटिंग सिस्टम है। मेंटेबिलिटी। दोस्तों इसमें मेंटेबिलिटी का फीचर मौजूद हो, यानी अगर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को फ्यूचर में एक्सटेंड करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें कोई और चीजें ऐड करना चाहते हैं, तो वो अपग्रेड हो सके, आगे बढ़ सके, उसके अंदर ये सलाहियतें मौजूद हो। के साथ साथ अगर उसके अंदर कोई एरर आ जाता है तो वो खुद से उस एरर को फिक्स कर सके। तो यानी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मेंटेबिलिटी का फीचर भी मौजूद हो। के बाद है कन्वीनियंट।
यानी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे मेन फीचर ये है कि वो कन्वीनियंट हो, इजी टू यूज हो। फॉर एग्जांपल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तमाम काम बहुत अच्छे से कर रहा है लेकिन आपको वो चलाना ही नहीं आ रहा, वो आम इंसानों के लिए कन्वीनियंट ही नहीं है, तो फिर उसका फायदा ही नहीं। दोस्तों इन तमाम फीचर्स को हासिल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को किन किन फंक्शन से गुजरना पड़ता है, आइए इनको डिटेल में देखते हैं। दोस्तों सबसे पहला फंक्शन है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस क्या होता है? कंप्यूटर में मौजूद तमाम टास्क, वो तमाम चीजें जो आप कंप्यूटर के अंदर कर रहे होते हैं वो प्रोसेस की शक्ल में कंप्यूटर के अंदर मौजूद होती है, जिनको कंप्यूटर की लैंग्वेज में थ्रेड्स भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप म्यूजिक सुन रहे हैं, ये एक प्रोसेस है। आप ब्राउजिंग कर रहे हैं, ये एक प्रोसेस है। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर कोई काम कर रहे हैं तो ये भी एक प्रोसेस है। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम पहले तमाम प्रोसेसेस को मेमोरी के अंदर एलोकेट करता है, यानी उनको मेमोरी फराहम करता है। फॉर एग्जाम्पल तीन प्रोसेस हैं P1, P2 और P3। सबसे पहले उन्हें मेमोरी में लोड करवाएगा, फिर CPU को बताएगा कि सबसे पहले कौन सा प्रोसेस रन करना है, यानी प्रायोरिटी सेट करता है। और अगर किसी टास्क की रिक्वेस्ट आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल P3 की रिक्वेस्ट आ जाती है, तो P3 को CPU एलोकेट कर देगा, यानी P1 उसे CPU देकर P3 को एलोकेट कर देगा, P3 को CPU दे देगा। और जैसे ही P3 कंप्लीट होगा दोबारा से P1 को CPU एलोकेट कर देगा। तो दोस्तों ये तमाम काम प्रोसेस मैनेजमेंट कहलाते हैं, यानी प्रोसेसेस को किस तरीके से किस वे में CPU को देना है इसको भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। ये तमाम जिम्मेदारी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। इसके बाद है मेमोरी मैनेजमेंट। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम उन तमाम प्रोसेसेस को, उन तमाम टास्क को जिन्हें प्रोसेस होना होता है, जिन्हें CPU एलोकेट करना होता है, यानी जिन्हें CPU चाहिए होता है, उन्हें सबसे पहले मेमोरी एलोकेट करता है, मेमोरी में जगह फराहम करता है। और जैसे जैसे टास्क CPU से कम्प्लीट होते रहते हैं मेमोरी को उसी हिसाब से खाली करता रहता है, फ्री करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा था कि मेमोरी के अंदर तीन प्रोसेस मौजूद हैं और CPU ने जब दो प्रोसेस P1 और P3 को कम्प्लीट कर दिया तो मेमोरी से ऑपरेटिंग सिस्टम ये दोनों प्रोसेस हटा देता है। तो दोस्तों मेमोरी मैनेजमेंट के बाद है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर मुख्तलिफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पर मुश्तमिल होता है, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, CPU। और अगर आप इनपुट कंप्यूटर के अंदर आप कीबोर्ड के जरिए कुछ इनपुट करते हैं, उसको किस तरीके से कंप्यूटर की डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर, यानी आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर दिखाना है, ये तमाम मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, यानी इनपुट को आउटपुट में किस तरीके से तब्दील करना है। के बाद है फाइल मैनेजमेंट। मेमोरी जिसमें लार्ज नंबर ऑफ डेटा महफूज होता है, जो कि फाइल्स और फोल्डर्स की शक्ल में कंप्यूटर के अंदर महफूज किया जाता है, ताकि यूजर्स आसानी से फाइल्स की शक्ल में डेटा को मैनेज कर सकें, उन फाइल्स को डिलीट करना यानी मिटाना, उनको क्रिएट करना, अपडेट करना, उसके अंदर कोई तब्दीली करना, ये तमाम चीजें फाइल मैनेजमेंट कहलाती है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मैनेज करता है। दोस्तों इसके बाद है रिसोर्स मैनेजमेंट। इन तमाम कामों के अलावा, यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, फाइल्स, प्रोसेस और मेमोरी मैनेजमेंट के अलावा भी कंप्यूटर के अंदर कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। इन तमाम चीजों को यूजर से इंटरैक्ट कराना, ये तमाम चीजें, इन तमाम चीजों को मैनेज करना भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी होती है, जो कि रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाती है। दोस्तों इसके बाद जो अगला फंक्शन, जो अगली जिम्मेदारी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो है नेटवर्क और सिक्योरिटी। दोस्तों एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कैसे इंटरैक्ट कराना है, कैसे जुड़ना है, कौन से नेटवर्क से जुड़ना है, इंटरनेट को किस तरीके से कंप्यूटर के अंदर चलाना है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जिसको हमने लेक्चर 2 में डिटेल में पढ़ा था, उनको किस तरीके से मैनेज करना है, ये तमाम काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी होती है। के साथ साथ अगर आपके कंप्यूटर के अंदर कोई वायरसेस आ जाते हैं, कोई अनऑथराइज्ड यूजर्स या कोई ऐसा यूजर आ जाता है जो आपके कंप्यूटर को हार्म कर सकता है, के अंदर मौजूद डाटा के अंदर कोई कमी कर सकता है, डाटा को लॉस कर सकता है, तो इन तमाम चीजों को मैनेज करने की जिम्मेदारी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। के बाद है यूजर मैनेजमेंट। यूजर यानी आप जो कि कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो दोस्तों कंप्यूटर के अंदर कोई एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, कोई एक ऐसा यूजर होता है जो कि कंप्यूटर का एडमिन कहलाता है, जो सिर्फ
वही सिर्फ फाइल्स को यानी कंप्यूटर के अंदर मौजूद फाइल्स को डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, और वो ही दूसरे यूजर्स जो कि आपके कंप्यूटर को इस्तेमाल करना चाहते हैं उनको यूजर नेम और पासवर्ड के जरिए आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद डेटा को इस्तेमाल करने की इजाजत देता है। तमाम यूजर्स को मैनेज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। दोस्तों यहाँ तक हमने जाना कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर की टाइप्स कौन कौन सी होती है, सॉफ्टवेयर की पहली टाइप सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अंदर क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं और वो कंप्यूटर के अंदर क्या काम करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स और फंक्शंस को डिटेल में पढ़ा था। अगले लेक्चर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के एनवायरनमेंट्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे।